अब मैं इस वेबिनार के अगले वक्ता श्री अनुपम मिश्रा जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री मिश्रा जी, आपको मैं स्वागत करती हूं आपके प्रेजेंटेशन के लिए। नमस्कार सर, आर यू देयर? यस सर। कैन एम आई ऑडिबल? या श्योर सर। नमस्कार सर, प्रथम होम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी पर पूछना चाहेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर। यह टॉपिक विच इज वेरी वेरी क्लोज टू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। आई यस्टरडे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम योर डायरेक्टर कि हमें इसमें ज्वाइन करना है। Really, this was an opportunity we are looking for. It's not audience, and we have such a big, इतने participants हैं आज के आपके इस webinar में। हमसे पूर्व के जो 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 वक्ता थे, पंजाब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बेजोन मिश्रा, they have really made my task very easy, and I think नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से इन्होंने पंजाब से e-commerce, consumer के rights के हैं, what are their responsibilities, they have very beautifully covered, उन्होंने सारा उसको cover किया है। बेजोन मिश्रा ही रेरी समराइज से कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आगे आने वाले समय में चैलेंजेस क्या हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी फेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक, यदि इसको हमें नेक्स्ट ट्रैजेक्टरी पर ले जाना है। आई हैव जस्ट ए स्मॉल प्रेजेंटेशन दैट आई विल मेक एंड इफ आई कैन जस्ट शेयर इट दैट विल ब्रीफली आउटलाइन की डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का क्या रोल है ऑन दिस एंटायर इश्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दिस बेसिकली गिव्स अवर डिपार्टमेंट एट ए ग्लांस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज वन ऑफ द एक्ट जिससे हम कंज्यूमर का प्रोटेक्शन या कंज्यूमर से राइट की हम प्रोटेक्ट करते हैं। बिसाइड्स दिस देयर आर वेरियस अदर एक्ट्स दैट द डिपार्टमेंट एडमिनिस्टर्स विच आर ऑल्सो कंज्यूमर का कहीं ना कहीं से उनका प्रोटेक्शन हो या उनके राइट्स हो या उनको राइटफुल चीज मिले। एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1956 कमोडिटी में स्कैरसिटी होती है या उसकी प्राइसेस में ब्लैक मार्केटिंग है तो वन कैन इनवोक द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और इंश्योर की लोगों को सही चीज सही दाम पर मिले। एक बहुत बड़ी चीज है क्वालिटी एश्योरेंस, उसमें भी वी हैव ए BIS एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, देन वी हैव ए नेशनल ट्रस्ट हाउस, देन व्हाट वी हैव इज ए क्वालिटी एश्योरेंस दैट इज थ्रू ए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑफ 2009, देन वी हैव कंज्यूमर एडवोकेसी। सो व्हाट वी कैन से दैट डिपार्टमेंट बेसिकली कवर्स इफ वी सी द एंटायर इश्यूज जो कि कंज्यूमर से कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेंट्रिक है। एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन और उनके राइट्स का प्रोटेक्शन, दूसरा है प्राइस मॉनिटरिंग एंड कीपिंग ए क्लोज वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ द प्राइसेस, थर्ड है इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द गुड्स जो हम सामान खरीदते हैं वो सही क्वालिटी का हो, इसके लिए कि हमारी दो संस्थाएं हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और नेशनल ट्रस्ट हाउस, क्वालिटी एश्योरेंस जो कि हम इंश्योर करते हैं टू लीगल मेट्रोलॉजी एट, क्वान्टिटी एश्योरेंस कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं वो सही क्वान्टिटी है या नहीं। यदि हम एक पैकेज कमोडिटी ले रहे हैं उस पर लिखा हुआ है दैट इज 2 kg, तो 2 kg है या नहीं, हम दुकान में कोई सामान नापते हैं वो 2 kg वजन से नापता है, वो सही में 2 kg का वजन वो है या नहीं, चाहे वो वजन हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो टाइम हो, ये सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट देन कंज्यूमर अवेयरनेस होता है। व्हाट वी कैन सी इज कि कंज्यूमर हैज बीन द फोकस, जो भी हमारे डिपार्टमेंट के जो पूरा जो फ्रेमवर्क है कंज्यूमर इज द की, कंज्यूमर इज द फोकस, चाहे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क हो, चाहे वो डेवलपमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स हो थ्रू BIS एंड नेशनल ट्रस्ट हाउस, चाहे वो हमारे प्राइस मॉनिटरिंग हो, वी कलेक्ट प्राइसेस फ्रॉम अराउंड 500 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री देन वी प्राइस टू स्टैंडर्डाइजेशन पॉइंट, चाहे वो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हो जो कि क्वान्टिटी को इंश्योर करता है। नाउ कमिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, दिस एक्ट वाज नोटिफाइड इन 2019, came into effect from 2020. इसके पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उस एक्ट में कई चेंजेस किए गए मतलब बिकॉज ऑफ चेंज एंड न्यू प्रैक्टिसेस लाइक ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग, डिजिटाइजेशन, इट वॉज फाउंड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, मे बी दिस नीड्स ओवरहॉल, अकॉर्डिंगली दिस न्यू एक्ट केम
Now, what the new Consumer Protection Act of 2019 provides is a three-tier consumer dispute redressal commission. That is, we have a national commission at the apex level, jo Delhi mein hai, known as the National Commission. Then we have a state commission, jo ki state government, state capitals mein hote hain. Then we have district commissions in each district. In fact, humse pehle jo Patiala University se, sorry, National Law University jo Patiala se hai, unhone har ek ka district commission, state commission, aur national commission ki jurisdiction ki bhi charcha ki. So depending on the jurisdiction, aapka amount disputed kya hai, उसके हिसाब से या तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में अपनी चीज फाइल कर सकते हैं. एक जो बहुत अच्छी चीज जो इंट्रोड्यूस की गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, वो है ई फाइलिंग. यदि आपकी कोई ग्रीवांस है तो उसके लिए आपको कंज्यूमर कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने घर बैठे ई दाखिल के माध्यम से आप अपनी ग्रीवांस फाइल कर सकते हैं और ये कंज्यूमर कमीशन में रजिस्टर होती है. आज की तारीख में हमारे लगभग सभी स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर और लेह, सब जगह ई फाइलिंग चालू हो गई है. कई जिलों में भी लागू कर दी गई है. ई फाइलिंग के करीब हमारे 1.25 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं. वी हैव मोर देन 1,21,000 यूजर्स. एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एक्ट में एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है. बेसिकली दैट विल बी एम्पावर्ड टू टेक एक्शन ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू क्लास एक्शन की जहां जरूरत हो, जहां मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो. सो दिस इज अ न्यू अथॉरिटी दैट हैज बीन सेट अप अंडर द सीपी एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन. देन व्हाट वी हैव इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म थ्रू मेडिएशन. जरूरी नहीं है कि हर एक केस, हर एक झगड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाए. वेरी गुड अल्टरनेट मैकेनिज्म अवेलेबल दैट वी नो एज अ मेडिएशन. वहां एक मेडिएटर बैठता है. बोथ द पार्टीज गो टू द मेडिएटर and they tell their grievances, tell their issue. Then a mediator actually mediates between the issue. And this also we have mechanism with court annexed mediation ki vyavastha ki gayi hai. Product liability, another important feature of the Consumer Protection Act 2019 mein hai that a manufacturer is liable for the product that he is making, for the product service that he is providing. We have rules on e-commerce, we have rules on direct selling. Then penalty that has been prescribed under the Act if you are making an adulteration of food products or spurious goods. These are some of the important highlights or some of the important silent features of the Consumer Protection Act. Now, if we see how this entire framework works, what are the systems we have in place, that will be very, very useful. You have representatives of the CSCs over here. So, in fact, apne logon ko bhi jagruk kar sakte hain. यदि आपकी किसी भी, आपने कोई भी सामान खरीदा है, बॉट एनी प्रोडक्ट एंड आपको उस प्रोडक्ट से शिकायत है, तो सबसे पहले आप उसके मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर पर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. चाहे वो कहीं से भी आपने लिया हो, सबके अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर होते हैं. यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद या उसके साथ ही एक हमारी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन चलती है 1915. ये टोल फ्री नंबर है. इसको आप देश से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. ये हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं हेल्पलाइन में. ये आपकी ग्रीवांस आपसे नोट करते हैं, उसको फिर कंपनी से टेकअप करते हैं रिजोल्यूशन के लिए. सो दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल पावरफुल टूल जो आपके पास है. यदि आपकी कोई शिकायत है जिसके निवारण से आप संतुष्ट नहीं है, देन यू कैन अप्रोच द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एट 1915. Suppose, I will say the National Consumer Helpline is more a sort of alternate dispute redressal mechanism. और आपको यहाँ से भी संतुष्टि नहीं मिलती है, then you are free to approach the National Commission, Consumer Commission, depending on the jurisdiction वो जहाँ fall करता है. This slide basically gives the entire scope हमारा क्या है. National Consumer Helpline है, then we have a Central Consumer Protection Authority, then we have a three-tier judicial mechanism इसके लिए. हेल्पलाइन का नंबर है 1915. आप हमारा NCH ऐप है, उसके माध्यम से भी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. वेबसाइट है ऑनलाइन, जिसके ऊपर भी आप शिकायतें दर्ज करा सकते हैं. ये हेल्पलाइन हमारी 2005 से चल रही है, पर अभी हमने 2017-18 में इसमें कई अमूलचूल परिवर्तन किए. ये कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताती है, उनका ग्रीवांस रिड्रेसल कैसे किया जाए इसके विषय में जानकारी देती है. बेसिकली दिस इज अ फोटोग्राफ और ये हेल्पलाइन का जो हमारा दिल्ली में कॉल सेंटर चलता है, ये वहाँ जिस तरह के लोग बैठे रहते हैं, जो सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक आपकी कंप्लेंट लेते हैं
और उसके बाद यदि आप कॉल करते हैं तो अगले दिन आपको कॉल बैक जाता है कि आपने हमें पिछले दिन कॉल किया था, तो आप बताइए। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो वेब पोर्टल, ईमेल के माध्यम से, सीपीग्राम, एसएमएस, ऐप या व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप चाहें तो 1915 पर आप कंप्लेंट दे सकते हैं। ये बेसिकली है कि हमारे पास किस तरह की कंप्लेंट आती है। आधे से ज्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास टेलीफोन से आती है, कुछ ऐप से आती है और वेबसाइट से भी हमारे पास आती है। ये जो हमारी हेल्पलाइन है इस समय 17 भाषाओं में उपलब्ध है, तो बेसिकली असमी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कश्मीरी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, मतलब देश की जितनी भी मेन भाषाएं हैं उन सब में ये कंप्लेंट आप कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी भाषा में कीजिए, कोई भी भाषा में आपकी कंप्लेंट लेने के लिए वहाँ ये लोग सक्षम है। एक जो हमने आपसे बात की कि हमारे पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट कमीशन चलते हैं, नेशनल कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन है, तो सबके भी कंप्यूटराइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से किया जा रहा है। और हमने इन सारे स्टेट्स और सारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने कंप्यूटर, मैन पावर ये सब प्रोवाइड किया है। एंड बेसिकली दे अपडेट करते हैं डाटा, जो कंप्लेंट आती है कॉज लिस्ट जनरेट करते हैं, उस पर भी एक्शन लेते हैं। ये है CCPA, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन की चर्चा हमसे पूर्व कई वक्ताओं ने की थी। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेटअप हो गई है। तो CCPA बेसिकली जो ये काम करती है, ये देखती है कि वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स का कहीं वायलेट हो रहा है तो उसमें ये एक्शन लेते हैं। कहीं किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है कि आपको चीजें सही दाम पर नहीं मिल रही हैं या दामों किसी तरह का वो किया जा रहा है, दे आर एम्पावर्ड टू टेक एक्शन ऑन दैट। और फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पर भी एक्शन लेते हैं। That's all the actions जो कि हमने कई लिए, जैसे नापतोल का कुछ विज्ञापन आते थे पहले जिसमें कि दिखाते थे कि चीजें आप अभी खरीदिए, नहीं खरीदेंगे तो कम हो जाएगा, और they were making some claims कि भाई मैजिक नी सपोर्ट है या हम आपको सोने के आभूषण बेच रहे हैं, this basically were actually gold plated, ऊपर कुछ एक्शन था। संशोधन का एक विज्ञापन आता था कि recommended by doctors, उस पर भी हमने उनको भी एडवर्टाइजमेंट डिसकंटिन्यू रखने का ऑर्डर दिया CCPA ने। फिर अभी प्रेशर कुकर जो है कई जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो दे हैव टू BIS सर्टिफाइड, BIS सर्टिफाइड नहीं थे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे थे, उन पर भी एक्शन लिया जो डिपार्टमेंट में CCPA। एक इम्पॉर्टेंट चीज है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो हम सबको जानने की बहुत जरूरत है कि सही एडवर्टाइजमेंट क्या है, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग क्या है। देख, हमने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की गाइडलाइंस इशू की थी June 2022 में। बेसिकली दे प्रोवाइड की व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एन एडवर्टाइजमेंट टू बी वैलिड। व्हाट आर द एडवर्टाइजमेंट, मतलब बेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो आपको ना उनमें लुभावने एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि आप उसको आकर खरीद लें एंड देन बेसिकली दे डोंट सेल द गुड्स एंड द राइट क्लेम, या कुछ फ्री क्लेम करते हैं जो कि एक्चुअली फ्री नहीं होता है। देन सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, बेसिकली उसको भी प्रोहिबिट किया गया कि किसी चीज का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, जैसे ड्रिंक्स हैं या अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, अल्कोहलिक चीजें हैं, तो उनका सरोगेट में दूसरी चीज के माध्यम से भी उनको आप नहीं दिखा सकते। उसका मीडिया कवरेज था व्हेन बेसिकली इशूड दोस गाइडलाइंस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की। एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव अभी हमारा विभाग ले रहा है वो राइट टू रिपेयर है, कि हम लोग सब कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, फिर वो सामान मान लीजिए हमारा फॉल्टी निकलता है, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, फिर तो उसको हम ठीक करवाने जाते हैं तो हमको पता चलता है कि आप ठीक उनके सिर्फ उनके अथोराइज वेंडर से ही कर सकते हैं, या आपके पास ज्यादा च्वाइस नहीं है चीज ठीक करवाने की, और कुछ लिमिटेड वेंडर्स है। एक हमने पोर्टल लॉन्च किया है राइट टू रिपेयर पोर्टल, जिसमें कि हम कंपनीज को टेकअप कर रहे हैं कि बेसिकली हम कंपनीज को टेकअप कर रहे हैं कि आप सारी कंपनियां जो उनके रिपेयर वीडियोज होते हैं, चीजों को कैसे रिपेयर किया जा सके, खुद से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या आपके जो लिस्ट ऑफ ऑथराइज रिपेयर सेंटर्स क्या है, आप एक जगह पर दे राइट टू रिपेयर जो पोर्टल है उसमें इसका प्रयास किया जा रहा है। एक चीज जिससे हम सभी लोग मतलब की कहीं ना कहीं त्रस्त होंगे, मोबाइल फोन हम सभी यूज करते हैं, एंड व्हाट वी सी ना, एवरी मोबाइल फोन यू हैव टू बाय अ न्यू चार्जर,
Every charger and every mobile phone has a unique combination. So basically what we are thinking that there should be uniform charging port or one charger, क्योंकि आपके क्रॉस मोबाइल जो है यूज हो सके, चाहे आप किसी भी ब्रांड का मोबाइल यूज करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करें, एवरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शुड नॉट रिक्वायर ए सेपरेट चार्जर. दैट्स ऑल्सो वॉट वी आर वर्किंग एट, जो एक हमारा डायरेक्शन है जिसमें हम काम कर रहे हैं. वी हैव ए कमेटी ऑल्सो एंड दैट इज ऑल्सो बेसिकली सम हाउ लिंक टू जो हमारा कंसेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी की पीपल शुड नॉट हैव ए सिस्टम की यूज एंड थ्रो. शुड एक्चुअली हैव ए सिस्टम जहाँ हम चीज़ों को जहाँ तक संभव हो उनका इस्तेमाल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा. दैट वे विल ऑल्सो बी प्रिवेंटिंग यूज द क्रिएशन ऑफ ई वेस्ट. तो कमिंग टू राइट टू रिपेयर, ये हमने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी राइट टू रिपेयर में, जो चीज़ें हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, चाहे वो फार्मिंग इक्विपमेंट हो, मोबाइल्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट हो. सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू गेट देम लिस्टेड ऑन द राइट टू रिपेयर पोर्टल. ये पोर्टल है हमारा जो राइट टू रिपेयर इंडिया डॉट जी ओ वी. आप इसमें जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी उपलब्ध हैं. ई कॉमर्स से पहले भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला वालों ने कवर किया था. एक चीज जो है कि जब भी हम ई कॉमर्स में कोई सामान खरीदते हैं तो कई बार हमें रिव्यूज मिलते हैं. हम ये नहीं जानते हैं कि वो रिव्यूज सही है या गलत है या किसी ने हमें लुभाने के लिए किए हैं. वी हैव कम आउट विद सम गाइडलाइंस, सम पॉलिसी, फेक एंड डिसिप्टिव रिव्यूज जो ई कॉमर्स में है. सो वी हैव पुट एंटायर बेंचमार्क के रिव्यूज कैसे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, एंड हाउ यू कैन पुट इट ऑन दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. यदि आप करते हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हैं. इस वाज़ द न्यूज़ कवरेज जो भी हमने रिसेंट इनिशिएटिव्स लिया ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म पर. एक हम लोग जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं वो इन्फ्लुएंसर की गाइडलाइंस. कोई इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो टीवी सेलिब्रिटी हो, चाहे वैसे ही वेबसाइट या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर हो, तो वो चीज़ें जो बोलता है बेसिकली वी टेंड टू फील कि वो सही बोल रहा है. उस पर लोगों पर बहुत ज़्यादा असर होता है. सो डिटेल गाइडलाइंस ऑन द इन्फ्लुएंसर्स भी इशू की गई हैं, उनके डूज एंड डोंट्स हैं कि एक इन्फ्लुएंसर क्या कर सकता है, वेन ही कैन डिस्क्लोज, वो कब डिस्क्लोज कर सकता है. जैसे कि है कि यदि मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है या लोगों को किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए कह रहा है, ही हैज़ टू डिस्क्लोज. यदि उसके लिए कोई उसको पैसा दिया हो, कोई फ्री प्रोडक्ट्स उसके साथ आए हो, कोई कंटेस्ट या स्वीप स्टेक एंट्रीज हो, ट्रिप्स या होटल स्टेज हो, देन मीडिया बार्टर्स, कवरेज एंड अवार्ड्स, एनी फैमिली पर्सनल और एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें उसको डिस्क्लोज करनी है यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई सेलिब्रिटी कोई चीज प्रोडक्ट इंडोर्स करता है. एंड हाउ टू डिस्क्लोज, आप कैसे डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसका भी टोटल फ्रेमवर्क है कि डिस्क्लोजर शुड भी मतलब कि आपको पता चले, कोई पढ़ सके कि डिस्क्लोज किया गया है. मतलब शुड नॉट बी समथिंग इन अ वेरी स्मॉल फॉन्ट या आपको पता ही ना चले. इंडोर्समेंट इन अ पिक्चर, मतलब कि उसे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए एंड शुड नॉट बी सुपर इम्पोज. वीडियो में ही आप कोई चीज़ इंडोर्स कर रहे हैं तो उसमें कैसे डिस्क्लोजर गए, एंड उनकी भाषा सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज भी सिंपल और क्लियर होनी चाहिए. और सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स के लिए उनके पास ड्यू डिलीजेंस भी है कि बेसिकली उनको कोई चीज इंडोर्स करने से पहले व्हाट सिस्टम दे नीड टू हैव इन प्लेस. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जो बात की कंज्यूमर राइट्स की दृष्टि से, स्टैंडर्ड्स, मतलब वी शुड नो चीजों के सही स्टैंडर्ड्स क्या है. तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करती है. नाउ टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स बेसिकली हैव एंड उनके शुरू में ही सेंस आ जाए कि भाई स्टैंडर्ड चीज़ें दे बिकम कॉन्शियस, तो भाई एक स्टूडेंट्स में क्लब्स बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड्स क्लब स्कूल्स में. तो अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स इसमें इनरोल किए हैं. तो जो बॉय स्टूडेंट्स उनको हम शुरू से टीच करते हैं अबाउट स्टैंडर्ड्स, वो कैसे किया जा सकता है. एंड दीज आर सम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जो कि BIS इशू करता है. तो एक्चुअली प्रिस्क्राइब कि हर एक चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी क्या होनी चाहिए एंड किस टाइप के रेगुलेशन होने चाहिए. दैट दिस शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन एनिमल और प्लांट हेल्थ, सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. इस तरह अराउंड करीब 462 प्रोडक्ट्स हैं, विच इंक्लूड्स स्टील एंड आयरन, सीमेंट, ऑटोमेटिव सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, जिसमें कि स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं. नेशनल टेस्ट हाउस इज अनदर बॉडी जो कि टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स करते हैं. इनके भी
रीजनल ऑफिसेज हैं कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और वाराणसी में, जो कि बेसिकली क्वालिटी टच करते हैं। हायर मार्किंग अंडर इम्पोर्टेंट इशू जो कि अभी हमने डिसाइड किया है कि एवरी गुड जो भी गोल्ड ज्वेलरी बेची जाए उनका एच यू आई डी कोड होना चाहिए अल्फा न्यूमेरिक, सो बेसिकली दैट विल आइडेंटिफाई कि उसकी क्वालिटी क्या है। आई थिंक विद दीज वर्ड्स आई थैंक्स अ लॉट एंड आई ऑल्सो थैंक द जॉइंट सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट फॉर हैविंग गिविन अस दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक विद दैट लेट मी जस्ट वन मिनट ऑल स्टॉप इट।